नाम रहेगा, भगवान तेरा नाम रहेगा, उन शहीदों की ये कुर्बानी। भाई हाथ पीछे को रखो, थोड़े से जो साहब के मुंह पे हाथ हाथ पीछे को रखो। खाना खतरा मलिक साहब को तुम ही हो। चलो भाई चलो आगे को ले लो। और भैया ठीक है साहब, अभी आपका चेहरा नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, रुक जाओ। हो गया, यहाँ जान दो, चेहरा भी आएगा, सारी चीज आओगे। हाथ पीछे पड़ ले, बस बस रुकवा भाई, से तो चक्कर से कटवा रहा हूँ। हाँ, उनकी अस्थि कलश लेकर आए थे जो 3 तारीख में हमारे जो साथी थे वे शहीद हो गए थे उसमें, तो उनके अस्थि कलश लेकर आए थे आज यहाँ से। भाई शांत हो जाओ जी। जगह जगह में सहारनपुर श्यामली को होते हुए आज यहाँ से ये पूर्ण हुआ उनका वो काम। ठीक है सर, सबसे बड़ा सवाल बनता है, इतने दिन हो गए ना, सरकार ने अब तक मंत्री को बर्खास्त किया है। नहीं, सरकार कौन सा काम सही कर रही है? सरकार ने तो ऐसी हठधर्मी कर दी, बिल्कुल नाश का काम कर दिया सबका, किसान के सम्मान को जो ठेस पहुंच रही, ये इस तरह की उम्मीद नहीं थी सरकार से। बात नहीं कुछ और इतनी बड़ी बात बना दी सरकार ने, किसान का भी काम धंधा होगा, सब अपना सहन पे इस तरह के आरोप लगाए जा रहे, तो ये ठीक नहीं बातचीत सरकार को बादशाह करनी। और हम तो किसानों को भी कहे भाई, पहले तो 2 कदम किसान भी पीछे हटने को तैयार थे, जब किसान 1 कदम पीछे हटेगा सरकार 2 कदम पीछे हटेगी। आगे की रणनीति क्या है? नहीं, रणनीति तो भाई धरना तो वहाँ चल ही रहा हर बोर्ड रूप है, और बातचीत करने को किसान भी तैयार है, अगर सरकार बातचीत करे तो बातचीत करो, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं, धरना चलता रहेगा। नहीं बस हम तो नुगे जावे हैं, ठीक है, पर मैं भाजपा को धोखा ना दे, जैसे भी है जिस पार्टी में चले गए बड़े अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, मैं जिस तरह का धोखा भारतीय किसान यूनियन ने दिया, उन्होंने दिया भारतीय किसान यूनियन को, तो ये भारतीय जनता पार्टी को धोखा ना दे, इस तरह किसान यूनियन की भी छवि खराब होगी, तो इस तरह की बात ना कर, अपना जहाँ है मैं खुश रहे, अपना ठीक है। हाँ तो ये तो यह सुलह पहले दे देते मैं भाई, यह सुलह पहले दे देते भाई जी, ठीक थी बातचीत, ये तो इब जब उन्होंने यह सुलह दे दी तो अच्छी है, उसे और अच्छी तरह से देखेंगे। ये अस्थियाँ प्रत्येक जनपद में पहुंच रही, जो उनका जहां भी कोई तीर्थ स्थल है अपनी अस्थियाँ विसर्जन करने का, जो भी कोई भी पवित्र नदियां हैं जहां करें वहां के किसान करें, वहीं पर सब करेंगे। हर जनपद में अस्थियाँ पहुंची हैं, वही उसी के तहत यहां जनपद मुजफ्फरनगर का जो है शुक्रताल जो है तीर्थ है, यही विसर्जन हो सभी अस्थियों का, अपने पूर्वजों की का, वहीं पर किसान जो शहीद हुए थे लखीमपुर में उनकी अस्थियाँ लाई के विसर्जन करेगा। भाई कमी एक ही रही, वैसे तो आते जाते रहे, सबकी महत्वाकांक्षाएं रहे, अपनी इच्छा है कहीं भी चले जा। भानु प्रताप जो प्रदेश के अध्यक्ष थे उन्होंने अपना अलग संगठन बनाया, ठाकुर पूरण सिंह किसान यूनियन से गए थे उन्होंने अपना अलग संगठन बनाया, बीएम सिंह किसानों को धोखा देकर बीच में चले गए आंदोलन को छोड़ गए, पर ये किसान संगठन से राजनीति की तरफ को जाना उसका भी गुणा भागने रहा, क्या मामला है? वैसे जो
जो बुद्धिमान लोग हैं किसान यूनियन से अलग, वे क्या क्या कह रहे हैं, उनका क्या कहना है, वे सब हमें पता लग रहा है क्या कह रहे हैं, पर हमें भी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इसका सही सत्यापन हो नहीं पाया। केवल उसका जाना, अपना संगठन न बढ़ाना या किसी दूसरे संगठन में न जाना। सामने जो राजनीतिक पार्टी है जोन सी आज किसान के बिल्कुल खिलाफ खड़ी, उसमें जाने का क्या कारण रहा वे लोग बताओगे, वे किसान बताओगे, वे खुद किसान पूछेंगे कामों कौन से। सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं कि सरकार झुक नहीं रही है, इसी वजह से नहीं झुक रहे हैं, किसान एकत्र नहीं हो रहे हैं। नहीं, किसान तो एकत्र हो रहा, बता 30 लाख से बड़ी जनसभा कौन कर सके, और किसान संघ तो मोर्चे की जनसभा 30 लाख की तो सरकार के लोग ही बता रहे थे, हम तो कहे थे 35 लाख 40 लाख होंगे, मैं कह रहा ना 30 लाख थे यहाँ, तो मैं चल 30 होंगे, हम क्या गिनक रहे हैं। जब इतनी बड़ी बड़ी महापंचायतें होगी तो किसान तो एकजुट है, किसान एकजुटता के कई तरीके हो जाएं, महापंचायत का होना, चुनाव में जवाब देना या कुछ भी करना। अब बताओ, सारे को काले झंडे दिखाए जा रहे, काले झंडे का मतलब है कि हम आपको नहीं चाहते, सारे को हो रहा, किसान तो एकजुट है, कौन कह रहा है एकजुट नहीं है।